एक्सक्यूज मी, हेलो, बाप का माल है क्या आपका? कहाँ लेके जा रहे हैं? बाप का हो या आपका हो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम तो बस अपना हिस्सा लेने आ गए। कौन सा हिस्सा है? कौन तू? मैं हूँ टैक्स, नाम तो सुना ही होगा। डोंट माइंड, बस आपकी कमाई खाने आ जाते, बचा हुआ आप एंजॉय करें। ये तो गरीब है। वो सुन, ये क्या हरामी पर मचा रखा है तूने? तुमको कैसे पता कि हम हरामी पर मचा रहे हैं? बड़े सब पता है हमें, ठीक है साले, हम दोनों दोस्त हैं, एक ही पोजीशन पे काम करते हैं, तो हमारा अलग अलग टैक्स क्यों कटता है? जिसकी जैसी तनख्वाह उसका वैसा टैक्स, सिंपल। ऐसे कैसे? तूने उससे तो 3,000 रुपए लिए और मेरे से 4,000। चल चल चल, क्या रहे? एक तो साले तेरे तो 1,000 रुपए कम गए ना, तो तू तो चुप रहे, उसके चक्कर में अपने क्यों मरवा रहा है? चुप रहे, हमको बांटने की कोशिश कर रहा है, और तू चप्पड़ चप्पड़ ना थोड़ी कम कर, ये बता कि अलग अलग टैक्स क्यों काट रहा है? अरे क्योंकि इसने मेडिक्लेम लिया हुआ है, ये नकली रेंट रिसीप्ट देता है जो आप नहीं देते हो, ये अपना पैसा ऐसे सेविंग्स अकाउंट में जमा करके नहीं रखता, पीपीएफ में डिपॉजिट करता है, इसलिए इसको हर साल की इन्वेस्टमेंट के बदले 80C के अंडर डिडक्शन मिल जाती है, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको नहीं मिलती, सिंपल। तो सैलरी तो सेम है ना? पर इन्वेस्टमेंट तो डिफरेंट है ना? पर इनकम टैक्स तो इनकम पे काटना। नहीं नहीं देखो, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ना इन्वेस्टमेंट चाहिए। कितना कॉम्प्लिकेटेड है यार। अरे क्योंकि मैं टैक्स हूँ, बिल में आता हूँ, समझ में नहीं। ये फोटो देख रहा है, कितना क्यूट लग रहा हूँ बेटा। लड़कियां मेरे को टैक्स टैक्स बुलाती थी। ये कब की फोटो है? नर्सरी की? अबे नहीं, पिछले साल की। एक साल में इतना पढ़ गया तुम? तो भाई हम इंसान नहीं है, हम टैक्स हैं, जितना मन करता है सरकार का बढ़ा देती है, हमारी ग्रोथ होती है बेटा बिना कॉम्प्लेन पिए। जयपुर ट्रिप इज फाइनल राइट? हाँ डन। कितना पड़ेगा पर हेड? रहना खाना लाइक छोटी मोटी शॉपिंग प्लस ट्रैवल को मिला के अबाउट 3,000 समथिंग लाइक दैट। ग्रेट वॉल्स लुक्स राइट? या परफेक्ट। अच्छा ट्रिप प्लान हो रही है और मेरे बिना? मेरा हिस्सा कौन काउंट करेगा भाई? रोड पे जैसे निकलोगे ना, सबसे पहले टोल टैक्स देना पड़ेगा, और उसके बाद जहाँ के जिस होटल में रुकोगे वहां पे भी टैक्स देना पड़ेगा, जो खाओगे उस पे टैक्स होगा, जो पियोगे उस पे टैक्स होगा, अगर किसी टूरिस्ट साइट पे भी जाएगा ना तो टिकट तो लेनी पड़ेगी, उसमें भी टैक्स होता है। यस, करा दी एक और ट्रिप कैंसल। भाई मेरा टैक्स कितना पड़ेगा सर? ये मैं तुझे नहीं बताऊंगा, तू मुझे बताएगा। अगर मैंने तेरे को कम बता दिया फिर? फिर तेरे पास नोटिस आएगा, और तू जितना कम बताएगा वो एक्स्ट्रा तेरे से वसूला जाएगा। फिर तू ही बता देना कितना टैक्स है मेरा। नहीं मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब कम रह जाएगा तब बताऊंगा। तो गूर क्या रहा है साले? तुम ना मेरी जिंदगी का शनि बन के बैठे हो, मैं पता ही नहीं चलता कब कितना टैक्स भरना है, कहाँ भरना है। यार अगर मेरी टैक्स लाइबिलिटी है तो तुम बता दो ना, मेरी टैक्स लाइबिलिटी मैं भर दूंगा। पर नहीं, वो तुम क्यों बताओगे? वो तो मुझे सीए बताएगा, और वो सीए बताने के अलग पैसे काटेगा, और अगर मैंने कम भर दिया तो तुम मुझे नोटिस भेज दोगे। नहीं अगर कभी आपने एक्स्ट्रा भरा है तो आपका वापस भी तो आता है? आता है, जब रिटर्न भरो तो उसके लिए टैक्स अलग से भरो। तो स्कूल में हमको पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों कराते हैं? कम से कम टैक्स फाइल करना सिखा दो तो पता तो चले कि सैलरी कितनी आती है। इनकम पे अलग से टैक्स भरो, बाहर चाउमिन खाने जाओ उस पे अलग से टैक्स भरो, मैगी पे टैक्स भरो, दारू पे टैक्स भरो, गाड़ी चलाओ उस पे टैक्स भरो, हाईवे पे जाओ उस पे टैक्स भरो। है अबे कमाते क्यों हैं हम? पेट पालने के लिए कमाते हैं कि तुम्हारा टैक्स देने के लिए? बोलने पे भी टैक्स लगना चाहिए, बहुत बोलते हो।